भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को, सोए हुए विश्व को ब्रह्म मुहूर्त में जगाने वाले इस सदी के एक महान ऋषि, उस शाश्वत के प्रतिनिधि हमारे परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में सभी बहनों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि अभिनंदन। भारत के प्रत्येक प्रांत ही नहीं, प्रत्येक जिले, तहसील और प्रखंड और गांव से आई हुई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन, और उसके साथ ही हमारी नेपाल से आई हुई सभी बहनों का भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे गुरुदेव हमारे गुरु होने के साथ साथ एक माँ भी हैं, एक माँ का हृदय भी भगवान ने उनको दिया है। उनके अंदर एक माँ की करुणा, ममता, वात्सल्य, दुलार, स्नेह, और दूसरी तरफ एक गुरु का अनंत ज्ञान, गुरु का अनंत धैर्य, उच्च शिक्षा, मानवता और राष्ट्र की सेवा और भलाई के लिए एक विराट विजन, दोनों एक साथ भगवान ने उनको देकर के भेजा है। केवल इतना ही नहीं, वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, एक बहुत बड़े ऋषि हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, एक बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, माने कितने सारे गुणों को एक साथ भगवान ने इकट्ठा करके हमारे गुरुदेव के अंदर रख दिया है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे श्रद्धेय गुरुदेव, और उनके इस विराट धवल और निष्कलंक पवित्र चरित्र का ही यह परिणाम है कि आज पूरे भारत के एक एक कोने से जवान माँ बहन बेटियां इस शिविर में उपस्थित हुई हैं। आज के इस समय में जब अपने खून के रिश्तों पर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं, धर्म सत्ता में भी बहुत लोगों ने विश्वास तोड़ा है, उस समय में निस्वार्थ भाव से अपना समय खर्च करके, अपना किराया भाड़ा खर्च करके आप सब युवती माँ बहन बेटियां यहाँ गुरु के चरणों में उपस्थित हुई हैं, और इतने विश्वास के साथ आपके घर वालों ने आपको यहाँ भेजा है। एक बार आपके घर वालों का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि यहाँ किसी को स्वर्ग भेजने के या पाप काटने के झूठे दिलासे नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर कोई मंत्र तंत्र के नाम पर कोई ढोंग, पाखंड या अंधविश्वास पैदा नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ सिखाया जाता है योग के माध्यम से अपनी निजता से जुड़ना, अपनी आंतरिक शक्तियों का अर्जन करना, और फिर दिन भर सेवा के माध्यम से उनका विसर्जन करना। कुछ ऐसे संस्थान हैं जो केवल भौतिक संपदा को अर्जित करने की विधाओं के बारे में ही प्रशिक्षण देते हैं, और कुछ ऐसे भी संस्थाएं हैं जो कहते हैं कि ये दुनियादारी सब झूठी है, ये रिश्ते नाते संबंध सब झूठे हैं, आप केवल मंत्र जाप करो, वही आपका उद्धार करने वाला है। लेकिन यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुबह सुबह उठ करके 2 घंटा योग करें, योग से अपनी दिव्य शक्तियों का अर्जन करें, और पूरे दिन भर कर्म योग करें। यहाँ सेवा और साधना दोनों को साथ लेकर चला जाता है, योग और कर्म योग, अभ्युदय और निश्रेयस, ये सबसे कठिन होता है। एक तरफ चलना सरल होता है, लेकिन दोनों को साथ लेकर के चलना अत्यंत कठिन होता है। ऐसी शिक्षा यहाँ दी जाती है, और उस कठिन शिक्षा को भी आत्मसात करने के लिए आप यहाँ आए हैं, और वो कठिन शिक्षा हमारे गुरुदेव केवल वाणी से नहीं देते हैं, बल्कि पूरी प्रामाणिकता के साथ एक एक पल वो स्वयं इस प्रकार का जीवन जीते हैं। मैं भी आप सबकी ओर से कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को ये विश्वास दिलाती हूँ। स्वामी जी महाराज, ये सभी बहनें कह रही हैं कि श्रद्धेय गुरुदेव, इस आपके योग के दिव्य संदेश को हम घर घर तक पहुँचाने के लिए पूरी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ जब हम अगली बार आपके चरणों में उपस्थित होंगे, तो जिले में भाई जितनी सेवा दे रहे हैं सो दें, लेकिन बहनें जिले में जितने भी गांव हैं या शहर में जितने भी वार्ड हैं, उन सब में महिलाओं की एक एक कक्षा स्थापित करके ही आपके चरणों में उपस्थित होने वाली हैं। आइए, दीक्षांत समारोह का दिवस है आज। दीक्षांत
समारोह के ऊपर शास्त्र में एक लंबा चौड़ा उपदेश देकर के भेजा जाता है, वहाँ एक पंक्ति और बोली जाती है। वहाँ कहा जाता है, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सी। गुरु कह रहा है कि शिष्य, तुझे सर्वगुण संपन्न करके मैं संसार में भेज रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद तू इस गुरुकुल परंपरा को, इस सेवा यज्ञ को भूल मत जाना। अपने आचार्य के लिए प्रिय धन लाला करके आचार्य को देना, ताकि ये सेवा यज्ञ चलता रहे। हमारे आचार्य को, हमारे गुरु को जो सबसे प्रिय धन है वो है योग, और वो आत्माएं जो देश धर्म और पूरी मानवता की सेवा के लिए जीना चाहती हैं, वो आत्माएं। तो आप ऐसी आत्माओं को भी पतंजलि योगपीठ भेजते रहना, और आप जो जिले में, प्रखंड में, गांव में जो योग के शिविर लगाएंगी, योग कक्षाएं चलाएंगी, उस आपकी योग सेवा की सुगंध हवा के माध्यम से श्रद्धे स्वामी जी महाराज के पास पहुंच जाएंगी, और यहां से उनकी आत्मा के, उनके हृदय के आशीर्वाद वापस आप तक पहुंच जाएंगे। 21 जून को मैंने कहा कि दुनिया के चार बड़े कार्यक्रम हुए, एक दुबई में, दूसरा चंडीगढ़ में, तीसरा दिल्ली में, और चौथा फरीदाबाद में। उन चार में से तीन कार्यक्रम पतंजलि योगपीठ के द्वारा हुए, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। और चंडीगढ़ में भी लगभग आधी संख्या पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं की थी, और वहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन और इंस्ट्रक्शन जो मंच से संचालित तो हो रहा था, पूरा योग का कार्यक्रम, उसको भी हमारे भाई भारद्वाज जी, भाई स्मिथ जी संचालित कर रहे थे, और यहीं के आचार्य कुलम गुरुकुलम विश्वविद्यालय के बच्चे डेमोंस्ट्रेशन दे रहे थे। वहीं फरीदाबाद में 1,00,000 से ज्यादा योग साधकों का जो विश्व कीर्तिमान बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उसी दौरान शीर्षासन और सूर्य नमस्कार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने ब्रह्मचारियों ने बनाया। एक बार जोरदार अभिनंदन सभी ब्रह्मचारियों का। इसमें ब्रह्मचारी गोविंद जी ने 3,100 बार सूर्य नमस्कार किया। जोरदार तालियां हमारे ब्रह्मचारी, और इनको ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब भी मिला था। एक बार जोरदार अभिनंदन, इनको एक खिताब सौंप रहे हैं। बड़े तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं। 3,100 बार वहां भी रोका गया, बोले भाई ब्रह्मचारी अब रिकॉर्ड टूट गया, अब रुक जा। तो 3,100 बार सूर्य नमस्कार किया। एक बार जोरदार तालियां ब्रह्मचारी गोविंद के लिए, बड़े तेजस्वी हैं और विद्या में भी उतने ही तेजस्वी। दूसरे ब्रह्मचारी देवेंद्र जी, जिन्होंने 2,700 सूर्य नमस्कार किए, इनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। तो और ब्रह्मचारी गगन जी, उन्होंने भी 2,350 बार, और ब्रह्मचारी कुलदीप जी, इन्होंने भी 2,101 बार, जोरदार तालियां इनके लिए भी, 2,101 बार सूर्य नमस्कार किया। और ब्रह्मचारी श्रीकांत जी, इन्होंने 1,818 बार जो है सूर्य नमस्कार किया, और छोटी उम्र में, सबसे छोटी उम्र का ब्रह्मचारी ये कितने साल का हो गया, 14 वर्ष का है हर्षराम, ये इसने 1,250 बार सूर्य नमस्कार किया। इसने भी अपनी उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, पहले का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो इसने तोड़ दिया। तो ब्रह्मचारी हर्षराम के लिए भी जोरदार अभिनंदन, खूब खूब आशीर्वाद। तो ऐसे आप बहने, ये सबसे छोटे वाले हर्षराम वाला 1,250 बार सूर्य नमस्कार करेंगी या 3,000 बार? बोले स्वामी जी तो कुछ ज्यादा हो गए, तो आप 10 बार रोज कर लेना, इसी में ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ये तो इन ब्रह्मचारियों को हमने आमंत्रित किया, अब प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, योग का अभ्यास पूरी श्रद्धा के साथ करना। भोर में उठते ही
गुरु का ध्यान करना। गुरु का ध्यान है स्वयं गुरु जैसा होना, गुरु का प्रतिरूप बनना, गुरु का मूर्त रूप बनना, यही गुरु का ध्यान है, गुरु का दर्शन है, गुरु की पूजा है। भगवान का ध्यान है स्वयं भगवान के प्रतिनिधि बनना, प्रतिरूप बनना, मूर्त रूप बनना। भोर में उठते ही ये संकल्प हो हमारा, ये साधना हो हमारी, मैं भगवान का प्रतिरूप हूं, मैं गुरु का प्रतिरूप हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं का प्रतिरूप हूं, उन्हीं का खून मेरे भीतर है, मैं भगवान का प्रतिरूप हूं, मेरे आत्मा में भगवान का परमात्मा का प्रकाश। ये माइंडसेट हो हमारा, ये फ्रीक्वेंसी हो हमारी, तो फिर कभी भी हम लोअर कॉन्शियस में नहीं जिएंगे, नॉर्मल कॉन्शियस में नहीं, हम डिवाइन कॉन्शियस में, हायर कॉन्शियस में जिएंगे, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, भागवत चेतना में। आइए इसी संकल्प के साथ हर सुबह की शुरुआत करनी है, भस्त्रिका प्राणायाम इसी संकल्प के साथ। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भे, गुरु बिन संशय न मिटे, जय 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 गुरु। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। देव अलख अभयो सर्व पूज्य चरण गुरु सेवो, गुरु मेरा देव अलख अभयो सर्व पूज्य चरण गुरु सेवो, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म।
गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत तो गुरु की पूजा गुरु का दर्शन गुरु दीक्षा का अर्थ है स्वयं गुरु जैसा होना। तो आप सबके लिए भगवान के चरणों में यही प्रार्थना आप सब गुरु का प्रतिरूप बने गुरु का मूर्त रूप बने ऋषि ऋषिकाओं का प्रतिरूप बने आप उनका मूर्त रूप बने आपको प्रभु ऐसा ज्ञान दे ऐसी भक्ति दे ऐसी शक्ति दे यही गुरु मंत्र है यही गुरु दीक्षा है यही गुरु का दर्शन है। गुरु हमारे भीतर दिखने लगे गुरु का दर्शन गुरु का दर्शन किया और गुरु का दर्शन अपने भीतर से होने लगे ऐसी ही दिव्यता आपको प्राप्त करनी है। आइए बाह्य प्राणायाम करते हैं श्वास को बाहर छोड़ देंगे रोज कपाल भाति अनुलोम विलोम आपको 15-15 मिनट घर पे करके 5 मिनट का कम से कम ध्यान करके और ध्यान पूर्व की प्राणायाम करना भस्त्री का करें कपाल भाति करें बाह्य प्राणायाम करें उज्जायी करें अनुलोम विलोम करें भ्रामरी उद्गीत और फिर सांसों पर मौन ध्यान ध्यान पूर्वक 24 घंटे जीने का अभ्यास करना। जो कुछ भी मैं हूं भगवान से ही हूं भगवान के लिए ही हूं और मेरी अंतिम परिणति भी भगवत्ता ही है। आइए बाह्य प्राणायाम करते हैं उज्जाय 3 बार कर लिया करें बाह्य प्राणायाम उज्जाय 3-3 बार भी पर्याप्त है कम से कम।
ऐसी यथाशक्ति रोक करके फिर दाएं आंख को बंद करके धीरे धीरे बाहर छोड़ो। और अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे लय के साथ। तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया। एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया।
तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साथ में मिल गया, जब आप मिल गए तो सब धन है मिल गया, जब आप मिल गए तो सब धन है मिल गया, मैं धन भगवान की शरणागति में हमें सब कुछ मिल जाता है। दुनिया में तो है धन, और गुरु और भगवान की शरणागति में है धन्यता। मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु हमें भगवान के मार्ग तक लेकर के जाते हैं, हमारे भीतर के अज्ञान के पर्दे को हटाते हैं, हमारी आत्मा में जो परमात्मा तत्व है उसका हमें बोध कराते हैं, और अंत में हमें स्वयं ब्रह्म बना देते हैं। अहम् ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानं ब्रह्म।